नहीं, अब आप बोलेंगे कि हम लोग सब खड़े होकर सिंग करें कि हैप्पी बर्थडे टू यू प्राइम मिनिस्टर। अब आप कल बोलेंगे केक काट क्यों नहीं काटे, और आप नेशनलिस्ट नहीं है, ये क्या बात है भाई? मैं सुनिए मेरी बात, मेरा मानना यह है मैं अपनी कभी बर्थडे नहीं मनाया हूं, नंबर वन, और मैं उस चीजों को मानता भी नहीं हूं जो मेरी परवरिश हुई है। तीसरी बात यह है कि किसी भी पॉलिटिशियन को अपनी बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। अरे भाई, देश की जनता धूप में खड़े होकर, भूखे रहकर, मासूम बच्चों को गोद में लेकर, महिला वोट डालती है आपको, क्या क्या नहीं करती है, फिर आपकी बर्थडे मनाई जाए? नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, हम सब पॉलिटिशियन से ये कह रहे हैं, हमारी बात को पसंद नहीं है कि मत करिए वो, और वो करते हैं तो उनका इख्तियार है। हमारा मानना यह है कि भाई, कब तक सिर्फ हम अपनी तारीफ करते रहेंगे? अरे, हमारी मां ने हमको पैदा किया, उसकी सेवा करो, उसको मानो, मगर हर साल आप वही वही, अरे जन्मदिन आता है, हैप्पी बर्थडे, अरे आप छोड़िए ना भाई, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये तो परेशानी है आपको। अगर इंसान को कोई पैदा करता है तो एक तो अल्लाह के करम से, और दूसरा वो महिला, वो माँ होती है हमारी, जो हमको 8-9 महीने पेट में रखकर पैदा करती थी तकलीफों से, और फिर वो जो 2 साल तक कितनी तकलीफ सहती है माँ वो। इसीलिए हमारा मानना ये है कि जन्नत अगर है तो माँ के पैरों के नीचे, और मैं कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाया ना कभी मनाऊंगा। मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूँ कि भाई मत आइए मेरे पास ये चीज़ें लेकर, मुझे पसंद नहीं है चीज़ें। अवाम ने हमको इतना बड़ा मुकाम दिया, अवाम ने इज्जत दी, मोहब्बत दी, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? ये कल्चर बन जा रहा है बहुत ज़्यादा, ये कल्चर ठीक नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, कि अरे भाई आप कोई घर में करना है करिए ना, पब्लिक क्यों करे आपके लिए? पब्लिक को क्यों तकलीफ दे रहे आप? कहे कहे अरे कहे का सेलिब्रिटी, आप अवाम के खादिम होते हैं, आप अवाम की खिदमत करना आपका काम है, आप उसको छोड़कर ले लाइए केक काटिए, क्या है ये? खबर भी, सरोकार भी, हर कदम, हर डगर, हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव, कस्बा, शहर, नगर, रुक न पाए कोई खबर, असर भी, असरदार भी, खबर भी, सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।